पर्णिया हाई स्कूल के शिक्षक राजकुमार उगरे पर विद्यार्थियों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। शिक्षक पर यह भी आरोप लगा है कि जब एक विद्यार्थी ने उन्हें जय श्री राम सर कह दिया तो उसकी पिटाई कर दी गई। विद्यार्थी के पिटाई के बाद परिजनों ने सर्व मंगला चौकी और शिक्षा विभाग में शिक्षक के खिलाफ शिकायत की। परिजन की शिकायत पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिखित आवेदन भी मंगवाया गया। वहीं शिक्षक के इस कार्य को निंदनीय बताते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। तो हमारे एक उग्रे सर हैं जो हिंदी का विषय 11 को पढ़ाते हैं, वो पाठ को पाठ्य का पढ़ाते पढ़ाते किसी दूसरे भगवान के ऊपर कुछ भी बोल देता है और लक्ष्मी माता या सरस्वती माता को अंगूठा छाप बोल रहे थे, भगवत गीता को झूठा बोल रहे थे। और जब मैंने ये सब को सुनकर बोला कि हमारे भगवान है सब को मत बोलो, तो उन्होंने आकर मेरे ऊपर हाथ उठाया और मुझे मारा। जब इस क्लास में आए तो पढ़ा रहे थे तो देवी देवताओं के बारे में पठान बात कर रहे थे, तो जाते समय जय श्री राम बोल दिया ना, तो इसको अगर मार दिया तो क्यों मार रहा है बोला ना, तो मेरे को भी मार दिया। पत्थर है, भागवत गीता झूठा है, तुम लोग मानते हो, तुम लोग बेवकूफ बोल रहे थे। मैं द्वितीय पीरियड में हिंदी विषय अध्यापन कर रहा था, तो विभिन्न कलाओं के बारे में चैप्टर था, तो विभिन्न कलाओं के बारे में पूरी राज्य का दिया गया था। उसमें मैं एक टॉपिक रखा कि मैंने हमारे भारत देश में बहुत से देवी देवताएं हैं, माँ सरस्वती हैं, गूगल में डिग्रियां प्राप्त नहीं होती, फिर भी हमारे लिए माँ सरस्वती देवी देवताएं जो है हमारे लिए कुछ नहीं होते हैं। ये टॉपिक मेरा, मैं किसी को इसी इस बात पर मैंने विद्यार्थी को या अन्य को किसी को ठेस पहुंचा होगा उसके लिए मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ। इस धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के बारे में स्कूल में किसी को भी बोलने का ऐसे अधिकार नहीं है उसके विरुद्ध में। अगर वो अगर बोले होंगे, मैं तो चूंकि अभी उनसे भी रूबरू नहीं हुआ हूँ उस हिसाब से, मैं क्योंकि स्कूल आया तो भीड़ लगी हुई थी, जांच अधिकारी भी पहुंच गए थे, लेकिन मैं उनसे पर्सनली ना बच्चों से अभी मिल पाया हूँ ना शिक्षक से मिल पाया हूँ, तो इसलिए क्या वस्तु स्थिति है मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा।